की फतेह। थिरकर बैसो हर जन प्यारे, सतगुर तुम दे काज सवारे। दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे। बादशाह सर्वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने। निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल किन्नो दान। शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानके ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। शरण परे प्रभु अंतर जामी, नानके ओट पकड़ी प्रभु स्वामी। अपना नाम देव गुण गावा, दिन रात नानक चायो। श्री हर कृष्ण श्री हर कृष्ण ध्याए, सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरिए, करुणा निधियावे ताए। सब थाई होए सहाय, श्री हर कृष्ण ध्याए। सडिठे सब दुख जाए, तेक बहादुर सिमरिए, करुणा निधियावे ताए। सब थाई होए सहाय, की बाबा जी नाम अपना? दास भाई चरणप्रीत सिंह, नगर भगूपुर। अच्छा जी, अज ते बच्चों के ते अचानक जेडे सानू वाह गुरद्वारा साहब दर्शन हो गए, तो बच्चे जेडे आ बिल्कुल ही जे आप कह लीए कि एक जिस तरह के गुरसिख असल बच्चे होने चाहिए आ, उस बाणे दे विच मिले बड़ी जड़ी आ रूह खुश हुई, तो की कहना चाहते हो? बस ये पास यही कहना चाहवागा, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश रहमत आ, ये बच्चे भी दात रूप परमात्मा ने बख्शे ने, तो उन्होंने अपने लड़ लाया, बस यही कह सकता, होर कुछ नहीं। आनंदपुर साहब हम दर्शन दारे गुरुधामों के शहीदा सिंह स्थानों के करते आ रहे थे, तो अज शहीद बाबा तारा सिंह जी वहाँ इतिहास इन्होंने बारे पढ़िया सुनिया, मन च शाही भी दर्शन कर आईए, तो थोड़े नाल सुभाव मिल गया। गुरु साहब का शुक्र है जी, अज पहली बार ही इतने आए गुरुद्वारा। हाँ जी, असं अपने जीवन च पहली बार दर्शन इस स्थान के किए ने, तो मन में बड़ा सुकून मिले, आनंद मिले जी। तो ये जेडे अपने बच्चे आ गुरसिखी ना बहुत इन्हों की जी लगन आ, मैं आप जी ने पहला भी दस के हटिया भी गुरु साहब की यह बख्शिश है, दासरिया की मंग है यार, दास हर सिख ही करता है कि बख्शो जी सिखा सिखी दान, केस दान, रहत दान। तो गुरु साहब अगे अपने लिए भी असं अरदास करते हैं, अपने बच्चों लिए भी करते हैं, तो फिर वो अवस्था है, सुखी बसा मोरू परिवारा, सेवक सिख सभा करतारा। गुरु साहब सारे सिखा सेवकों अपने नाम बाने की दात बख्शन, इस तो बिना साडा भला नहीं होना। अज असी डींगा मारते हाँ, कौम का नगार आ रहा है, पर जिन्ना चिर असी प्रचार अपने घर तो भी बाद च पहला अपने आप तो शुरू करिए, गुरु साहब तो मंग मंगीए, असी सिखी सरूप नूं धारण करिए, असी गुरु वाले बनीए, ता कि साडे बच्चे भी गुरबाणी दे राह ते गुरसिखी दे राह ते चल सकन। जिस तरह इन्हां नूं गुरबाणी बिल्कुल ही जबानी कंठ आ, इन्हां नूं घरे फिर तुसीं गुरु साहब बख्शिश करन जी, दास भुख रखता है भी ये प्रसाद गुर गुरबाणी एक विद्या की दात है, जिथे असी पेट की पूर्ति लिए भोजन की खुराक छकते हाँ, वो साढ़े शरीर की लोड़ पूर्ति होंगी है, शरीर का निर्वाह हों, एक आत्मा की खुराक भजन बाणी है, वो सानू अपने आप में भी लोड़ है, तो साढ़े बच्चों परिवार को समाज में सारियां लोड़ है। तो गुरु साहब अगर अरदास करी दी भी इन्होंने बच्चों हुण तो ही अपने चरणों ना ला लैन, कोशिश कर रही है दास अपने आप ही। ये बच्चा नारायणप्रीत सिंह है,
गुरु साहब ने इहदे ते बख्शिश कीती है। जप जी साहब की संथ्या दी चल रही है, संपूर्ण करन वाला है। ये छोटा गुरसाहिब प्रीत सिंह है, इहदे ते भी बख्शिश है। कोशिश है जिन्ना हो सके इन्हां नूं इस नेड़े लै आईए, खास करके इन्हां दे मम्मी इन्हां दे माता जी वो भी प्यार देंदे ने, उन्हां दी भी गुरु साहब की बख्शिश है, गुरबाणी की संथ्या हुई है। इस करके सानूं सौखा है कि ये घर दे विच ही गुरु साहब दे नाल जुड़ रहे हैं। सानू तो गुरबाणी संथ्या करन वास्ते सीखन वास्ते घर छड्डने पए, घरों बाहर विद्यालयों च रहना, उन्हां समयां नूं वेखने आ ते अज दे हालातां नूं देखदे आ भी साडे बच्चे विद्यालयों च जां बाहर रहना बड़ा औखा है। तो कोशिश करदे आ भी इन्हां नूं घर तों ही जिन्ना हो सके फिर समय अनुसार जिवें मालक नूं पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी।